हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन. नाउ वी वांट टू स्टार्ट सम अदर क्वेश्चन ऑफ योर बुक ऑफ एक्सरसाइज 3.10. लेट मी स्टार्ट. वी हैड डिस्कस्ड सम फॉर्मूलाज ऑफ योर बुक्स ऑफ जनरल सॉल्यूशंस. लेट मी स्टार्ट सम क्वेश्चन. इफ टेंजेंट 5x टेंजेंट 2x इक्वल टू 1, then we want to solve this. Warm welcome to AVM online classes. So tangent 5x is equal to 1 by tangent 2x. क्या होता है? cot 2x हो जाएगा बेटा. अब formula क्या होना चाहिए? tangent x equal to tangent y. भाई tangent x equal to tangent y होना चाहिए ना, यानी कि दोनों same होने चाहिए. अब तो यहाँ पर टेंजेंट 5x और कोट को लिखते हैं टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस 2x लिखते हैं आप भाई. अब टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट y का फॉर्म लगाओ. क्या होता है? टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट y, देन x इक्वल टू क्या होता है बेटा फॉर्मूला? n पाई प्लस y. ये होता है. तो यहाँ पर x क्या आएगा? 5x इज इक्वल टू n पाई प्लस y कितना आएगा? पाई बाई 2 माइनस 2x. अब ये x वाली तरफ ले आओ तो 7x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2. x इक्वल टू n पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 14. तो ये आंसर आ गया. ठीक है, ऐसे आप ये तीन वाले तो cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इक्वल टू जीरो है. अब बेटा cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इक्वल टू जीरो है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो पहले बेटा यहाँ पर cos c प्लस cos d का फॉर्म लगा दीजिए. तो हम कौन सा लेंगे? जो ऐसा लेंगे जिनका सम इवन बने, जैसे 1 और 2 3 ऑड बन रहा है, नहीं 1 और 3 4 यस, ये लेंगे हम. अब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस d, तो 3 ओवर 1 4x बाई 2 cos क्या आएगा? 3 में से बन गया 2x बाई 2 प्लस cos 2x प्लस cos 2x. अब प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा भाई? बोलो क्या होगा? प्लस cos 2x. ये आईटी छोड़ देते हैं हम. वैसे फॉर्मूला होता तो है लेकिन हम अभी यूज नहीं करेंगे, देखते हैं क्या होगा. यहाँ पर आ गया 2 cos 2x प्लस cos इंटू cos x प्लस cos 2x इक्वल टू जीरो. अब cos 2x को हम ले लीजिए तो अंदर क्या रह गया बेटा? अंदर रह गया 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू जीरो. तो cos 2x इज इक्वल टू जीरो और cos x इक्वल टू माइनस का 1/2. ठीक है, अब cos 2x इक्वल टू जीरो और cos x इक्वल टू माइनस 1/2 है तो क्या होता है? cos की वैल्यू जीरो कब होती है भाई? cos की वैल्यू जीरो कब होती है? ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2, तो 2x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2. तो x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 5/4. ऐसे यहाँ पर cos x इक्वल टू 1/2 है, माइनस 1/2 है. अब माइनस 1/2 किसकी होती है? cos की. अब बेटा यहाँ पर हमने कल किया था भाई जनरल सॉल्यूशन निकालना है, 1/2 किसकी होती वैल्यू? cos 30 की या 60 की? cos 60 की होती है. 60 मतलब पाई बाई 3. लेकिन ये सेकंड पॉइंट माइनस है तो सेकंड पॉइंट में होगा, तो पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे तो 2 पाई बाई 3 आ जाएगा. तो cos x इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3. अब cos x इक्वल टू cos y क्या होता है भाई? cos x इक्वल टू cos y, बोलो शाबाश. cos x इक्वल टू cos y, ये होता है हमारे पास. cos x इक्वल टू cos y है तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई 2 पाई बाई 3. ये आ गया आंसर.
तो x इक्वल टू दिस और y, ये एक आंसर ही आ गया। ओके सॉल्व कर लोगे इसको। नेक्स्ट अगर बेटा यहाँ पर है cos x प्लस साइन x इक्वल टू cos 2x प्लस साइन 2x है। अब इसको कैसे करेंगे हम, तो हम cos वाले एक तरफ ले लेंगे, cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू साइन 2x माइनस साइन x, ऐसे कर लेंगे। अब इसका फॉर्मूला तोड़ो भाई, तो क्या होगा cos c माइनस cos d, ये होता बेटा 2 cos 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो 2 और 1 3x बाई 2 और साइन d माइनस c, 2 में से उनका 1 x बाई 2 इक्वल टू साइन c माइनस साइन d का 2 cos 3x बाई 2 और साइन x बाई 2। अब ये हम कैंसिल नहीं करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल नहीं करेंगे साइन x बाई 2, इधर आए कॉमन ले करोगे तो ये आ जाएगा साइन x बाई 2 इक्वल टू 0 या साइन 3x बाई 2 कोस 3x बाई 2। अब बेटा यहां पर कोस को क्या करते हो आप, साइन चेंज करते हो, साइन एक्स टू साइन वाई का फॉर्म लग देगा, या दोनों का एंगल सेम है यहां पर, तो हम लिखते हैं साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू 0 और यहां पर लिखते हैं टेंजेंट 3x बाई 2 इक्वल टू 1। अब 1 किसी को लगती है भाई, टेंजेंट पाई बाई 4, टेंजेंट पाई 4, तो ये फॉर्मूला मुझे देगा भाई कौन सा, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट y होता है x इक्वल टू एन पाई प्लस y, तो यहाँ पर x कितना आ गया 3x बाई 2 इक्वल टू एन पाई प्लस y, y कितना आ गया पाई बाई 4, तो x कितना देगा 2n पाई बाई 3 प्लस 2 से कैसे हो जाएगा, तो पाई बाय कितना आएगा 6, ये आ गया हमारे पास। अब साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू 0 है, तो साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू 0 है कैसे करोगे भाई इसको, साइन एक्स बाई 2 इक्वल 0, तो साइन इक्वल 0 कब होती है, कल पढ़ा था हमने ओ एन पाई पे, तो यहाँ पर लिखेंगे और, तो एक्स बाई 2 इक्वल टू एन पाई और एक्स इक्वल टू 2 एन पाई, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ गया x इक्वल टू 2 एन पाई। ओके ये कर लो यार, ये राइट डाउन कर लो बेटा, फिर आगे करते हम। नाउ लेट मी स्टार्ट सम अदर क्वेश्चंस, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x टेंजेंट 2x इक्वल टू 1 रखा भाई, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो टेंजेंट वाइज सॉल्व कैसे करें हम, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट 2x इक्वल टू, ये इधर ले आएंगे हम 1 माइनस टेंजेंट x और टेंजेंट 2x, अब ये इधर डिवाइड में ले लो, तो टेंजेंट x प्लस टेंजेंट 2x अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट 2x इक्वल टू 1। अब ये किसका फॉर्म होता है, टेंजेंट a प्लस टेन b अपॉन 1 माइनस टेन a टेन b, क्या होता है टेंजेंट a प्लस b, तो टेंजेंट 3x इक्वल टू 1, 1 किसकी लगती है टेंजेंट पाई 4 की, अब फॉर्म लगा दो भाई टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट y का, और टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट y का फॉर्म लगाओगे तो क्या होता है बेटा 3x इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 4, तो x इक्वल टू एन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर अब ये करोगे तो इसको भी ऐसे करोगे बेटा, टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x और ये इंटू वाला इधर ले आओगे, तो रूट 3 माइनस का रूट 3 टेंजेंट 2x टेंजेंट x, बिल्कुल सेम सवाल चलेगा, टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x क्या आएगा, यहाँ पर रूट 3 को मिलोगे तो 1 माइनस टेंजेंट 2x टेंजेंट x, यदि यहाँ पर 2 की बजाय कुछ और होता फिर ये अप्लाई नहीं हो पाता भाई, अब यहाँ पर डिवाइड मिल लो तो ये सेम हो जाएगा, अब यहाँ पर 1 था वहाँ पर क्या आएगा रूट 3, और रूट 3 किसकी होती है पाई बाई 3 की,
तो टेंजेंट पाई बाई थ्री हो जाएगा, सेम यही टेन थ्री एक्स कल टू टेंजेंट पाई बाई थ्री, तो थ्री एक्स कल टू एन पाई प्लस पाई बाई थ्री, थ्री से डिवाइड कर देना, ओके तो ये सेम हो जाएंगे दोनों, ओके इतना कर लो बेटा, फिर आगे करते हैं हम। अब बेटा कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं हम, अब स्क्वेयर वाले हैं, साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वेयर वाई, कॉस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वेयर वाई, टेंजेंट स्क्वेयर एक्स इक्वल टू टेंजेंट स्क्वेयर वाई, इक्वल टू प्रूव करना। अब इक्वल टू ये होता है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई, प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है और करना चाहेंगे तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो थ्री टेंट स्क्वेयर एक्स इक्वल टू वन, तो टेंट स्क्वेयर एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री वाई, अब टेंजेंट स्क्वेयर एक्स इक्वल टू यहाँ पर स्क्वेयर में, तो हम यहाँ पर भी स्क्वेयर में करेंगे, तो वन बाय रूट थ्री का स्क्वेयर, और वन बाय रूट थ्री की स्क्वेयर होती है टेंजेंट पाई बाई सिक्स की, तो टेंजेंट स्क्वेयर एक्स इक्वल टू टेंजेंट स्क्वेयर पाई बाई सिक्स, या क्या हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, ये फॉर्म लगेगा, तो एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स, ये आंसर आ गया। ऐसे आप अगला देखो, टू कोट एक्स इक्वल टू कोस कैंड स्क्वेयर एक्स है, आप इसको कैसे करें भाई, तो देखो इसको कोट और कोस साइन तोड़ दो भाई, टू कोस एक्स बाई साइन एक्स, वन बाई साइन स्क्वेयर एक्स। अब बेटा ये नहीं कर देना कि साइन एक्स का साइन एक्स कट गया, ओके तो यहाँ पर कर, जो कटता है ना उसको जीरो के इक्वल रख लो, साइन एक्स इक्वल टू जीरो, ओके क्यों नहीं काट रहे हैं, क्योंकि देखो जैसे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स ये कैंसिल हो गया, तो एक्स के लिए वन आ गया भाई, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि बेटा हमें पता है जितनी पावर होती है उतने ही रूट होंगे, तो इसको हम ऐसे करेंगे, एक्स को हम ले लिया तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो या वन, जीरो या वन, तो ऐसे करेंगे हम, तो ऐसे बेटा साइन एक्स इक्वल टू जीरो है। अब साइन की वैल्यू जीरो कब होती है बेटा, एक तो ये इधर कॉमन ले करेंगे तो साइन एक्स इक्वल टू जो कट रहा है ना वो जीरो के इक्वल रखेंगे, और एक साइन कट गया जैसे अभी यहाँ पर आ गया टू कोस एक्स साइन एक्स, टू कोस एक्स साइन एक्स इक्वल टू वन, तो ये आ गया साइन टू एक्स इक्वल टू वन, तो साइन वैल्यू जीरो कब होती है, जब एक्स की वैल्यू क्या हो एन पाई, और वन को करेंगे यहाँ पास साइन टू एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई टू। अब साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई का फॉर्मूला देखो बेटा, क्या तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, टू एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन, वाई कितना है पाई बाई टू, टू से डिवाइड कर दो, तो एक्स इक्वल टू एन पाई बाई टू प्लस माइनस वन की पावर एन पाई बाई फोर, यह आंसर आ जाएगा, ओके इसको राइट डाउन कर लो बेटा। अब अगला देखो बेटा, यहाँ पर है थ्री सेकेंड स्क्वेयर एक्स प्लस टेन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू फाइव बाई थ्री है, तो इसको सॉल्व करो, तो सेकेंड स्क्वेयर एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स इक्वल टू फाइव बाई थ्री। अब दोनों को सेम में चेंज कर लो, या तो सेकेंड को टेंजेंट में चेंज करो या टेन को सेकेंड में चेंज करो, यदि आप टेंजेंट को सेकेंड में चेंज करें तो कॉस स्क्वेयर लग जाएगा, और सेकेंड को टेंजेंट में चेंज करें तो ये लग जाएगा, तो हम सेकेंड को टेंजेंट में चेंज करो, वन प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स प्लस टेन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू फाइव बाई थ्री, तो टू टेंजेंट स्क्वेयर एक्स इक्वल टू फाइव बाई थ्री माइनस वन, ये प्लस वन इधर ले आएंगे माइनस वन आ जाएगा, तो टू टेंजेंट स्क्वेयर एक्स इक्वल टू थ्री में से वन गया फाइव में थ्री का टू बाई थ्री, टू से टू कैंसिल हो गया, तो टेंजेंट स्क्वेयर एक्स क्या होगा, वन बाई थ्री को क्या लिखते हैं, टेंजेंट वन बाई थ्री को क्या लिखते हैं, वन बाई रूट थ्री का स्क्वेयर लिखते हैं हम, और ये फिर यही सब बन गया हमारे पास, क्या आएगा टेंजेंट स्क्वेयर पाई बाई सिक्स, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कोट स्क्वेयर एक्स है, तो कोट स्क्वेयर को क्या लिखते हैं, बोलो भाई कोट स्क्वेयर एक्स को वन बाई टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, भाई वन बाई टेंजेंट स्क्वेयर एक्स लिखते हो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो भाई, वन बाई टेंजेंट स्क्वेयर एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स इक्वल टू, तो एलसीएम ले लो कितना आएगा, वन प्लस टेंजेंट की फोर एक्स प्लस टेन टू टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, आप इसको ले आओ तो टेंजेंट फोर एक्स माइनस का टू टेंजेंट स्क्वेयर एक्स
प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब फार्मूला करो भाई, टू वो क्या आएगा, फैक्टर करोगे, वन वन जब वन, वन टू जब टू, ये आएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, और वन किसकी होती है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट स्क्वायर पाई फोर, कि स्क्वायर में करना पड़ेगा बेटा, कि स्क्वायर में तो स्क्वायर में करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आगे टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर वाई, तो एक्स इक्वल क्या देगा, एन पाई प्लस माइनस वाई कितना है, पाई बाई फोर, यहाँ सुना देगा ऐसे। यहाँ पर बेटा क्या आएगा, सेवन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स है, तो इसको सेवन कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू फोर, तो सेवन माइनस सेवन कोस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू फोर, तो सेवन माइनस का फोर कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू फोर, माइनस का फोर कोस स्क्वायर एक्स कितना आ गया, माइनस का थ्री कैंसिल, कोस स्क्वायर एक्स कितना आ गया, थ्री बाई फोर, तो कोस एक्स इक्वल टू रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। यार बेटा अब रूट, अब कोस स्क्वायर एक्स इक्वल रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर है, रूट थ्री बाई टू किसकी वैल्यू होती है भाई, कोस के अंदर कोस थर्टी की यानी पाई बाई सिक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर पाई बाई सिक्स। आप सॉल्व कर लो तो एक्स इक्वल क्या आएगा, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स, ये आंसर आ गया। ऐसे ही यहाँ पर टेन क्यूब एक्स माइनस थ्री टेन एक्स इक्वल जीरो भाई, तो टेन एक्स कॉमन कॉमन लो, क्या रहेगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो टेंजेंट एक्स इक्वल टू जीरो और टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू थ्री, तो जीरो कब होती है, एक्स इक्वल टू एन पाई, और यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू रूट थ्री का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना भाई, यहाँ पर वन बाई रूट थ्री पाई बाई सिक्स आ गया, यहाँ पर पाई बाई थ्री आ जाएगा। ओके इनको राइट डाउन कर लो बेटा, नाउ लेट मी स्टार्ट सम अदर क्वेश्चंस। अब बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखी है, ये इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बेटा इसको हम सारों को एक भी चेंज कर लेंगे, जैसे कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स है, या तो साइन को कोस चेंज करो या कोस को साइन चेंज करो। बेटा साइन को कोस चेंज करेंगे तो ये तो रूट में लगाना पड़ेगा, रूट में करेंगे तो टिपिकल हो जाएगा, तो इस कोस स्क्वायर को साइन चेंज कर लेते हैं, टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस फाइव साइन एक्स प्लस वन इक्वल जीरो। सोल्व कीजिए, टू माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस का फाइव साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, और सोल्व कीजिए माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस का फाइव साइन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, कॉमन लीजिए तो टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस का फाइव साइन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। फैक्टर कर दो इसके आप, टू थ्री जो सिक्स, तो ये बनेगा टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस सिक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। आप कॉमन लो इसमें, तो इसमें कॉमन लोगे टू साइन एक्स क्या रहेगा, साइन एक्स प्लस थ्री, और माइनस वन कॉमन लोगे तो साइन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो साइन एक्स क्या आएगी, या तो माइनस थ्री आएगी, और या साइन एक्स क्या आएगी, वन बाई टू। माइनस थ्री पॉसिबल है नहीं बेटा, क्यों, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है हमने पढ़ा था माइनस वन से प्लस वन की चलाई करता है, तो सिंस साइन एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, तो देयर फॉर साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस थ्री। तो ये क्या होगा, साइन एक्स इक्वल टू वन बाई टू हो गया। अब वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है बेटा, साइन एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, ध्यान कीजिए बेटा साइन एक्स इक्वल टू वन बाई टू, वन बाई टू होती है बेटा साइन थर्टी की, यानी कि साइन पाई बाई सिक्स, तो साइन पाई बाई सिक्स हो गया। अब x इक्वल टू वाई का फॉर्म लगा दीजिए, क्या होता है, साइन x इक्वल टू साइन वाई, x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर n, और y कितना आ गया, पाई बाई सिक्स, ये आंसर। ऐसे यहाँ पर कीजिए, आप इसको सोल्व कर लो, थ्री कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये रूट थ्री अलग छोड़ दो,
टू साइन एक्स कोस एक्स, टू साइन एक्स कोस एक्स इक्वल टू जीरो। तो क्या हो गया, थ्री कोस टू एक्स माइनस रूट थ्री क्या आएगा, साइन टू एक्स इक्वल टू जीरो। थ्री कोस टू एक्स इक्वल टू रूट थ्री साइन टू एक्स, यहाँ पर इसे डिवाइड कर दीजिए तो थ्री बाय रूट थ्री इक्वल टू टेंजेंट टू एक्स। तो रूट थ्री से थ्री डिवाइड करो भाई, कितना आएगा, रूट थ्री टेंजेंट टू एक्स। और टेंजेंट के अंदर रूट थ्री किसके बल होती है भाई, रूट थ्री होती है साइन टेंजेंट पाई बाय थ्री। तो टेंजेंट पाई बाय थ्री इक्वल टेंजेंट टू एक्स हो गया। फॉर्मूला लगाओ भाई, क्या होगा, टू एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, वाई कितना है पाई बाय थ्री। तो एक्स इक्वल टू एन पाई बाय टू प्लस पाई बाय सिक्स, ये आंसर आ गया। फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई, ठीक है। अब देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन, साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल टू माइनस रूट टू है। अब बच्चे यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स सेम में हो तो उसको हम क्या करेंगे, रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई, यानी कि आ गया ए बाय रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसी से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे हम, बी अपॉन में रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोस एक्स, इसी से डिवाइड करेंगे हम, इसी से मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू पहले भी बता चुका मैं कि रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी माइनस का रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसके बीच में लाई करेगी, ठीक है। जैसे हमारे पास साइन एक्स माइनस कोस एक्स टू माइनस रूट टू है, तो यहाँ पर ए कितना है वन और बी कितना है माइनस वन, रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर निकालो भाई, तो क्या आएगा, यह आएगा बेटा वन का स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर, तो यह आ गया रूट टू। तो रूट टू से डिवाइड रूट टू से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यानी कि रूट टू यह आ गया वन बाई रूट टू साइन एक्स माइनस वन बाई रूट टू कोस एक्स इक्वल टू माइनस रूट टू। ये रूट टू से रूट टू कैंसिल, माइनस वन आ गया। अब वन बाई रूट टू ऐसा क्यों किया, क्योंकि इनका स्क्वेयर का सम वन होता है, इनका स्क्वेयर का सम क्या होता है वन, देखो इनका स्क्वेयर का सम क्या होता है वन, चेक कर दे लो आप, ए अपॉन में रूट ए स्क्वेयर पर बी स्क्वेयर प्लस बी अपॉन में रूट ए स्क्वेयर पर बी स्क्वेयर, इनका स्क्वेयर का सम किया भाई, तो यह आएगा ए स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर पर बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर पर बी स्क्वेयर, आप कॉमन लोगे तो कट जाएगा ए स्क्वेयर पर बी स्क्वेयर। तो यह आ गया कितना आ गया हमारे पास वन आ गया, सॉरी, तो क्या आ गया हमारे पास वन। अब वन आ गया तो ये कब आता है ट्रिग्नोमेट्री वन, जब एक की जगह साइन है और एक की जगह है कोस रखेंगे, तो हम यहाँ पर वन बाई रूट टू से लिख दो आप कोस बाई फोर, तो साइन एक्स कोस बाई फोर, तो आप साइन कर दीजिए, यहाँ पर यदि कोस रखोगे तो यहाँ पर साइन रखना पड़ेगा, और यदि यहाँ पर साइन रखोगे तो यहाँ पर कोस, अब ये हो जाएगा साइन पाई फोर कोस एक्स साइन पाई फोर इक्वल टू माइनस वन आ गया। अब साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई किसका फल होता है, साइन एक्स माइनस पाई फोर इक्वल टू माइनस वन है, माइनस वन किसकी होती है साइन के अंदर, थ्री पाई बाई टू की, तो साइन थ्री पाई बाई टू, अरे प्लस वन तो पाई बाई टू होता है, माइनस वन क्या होगा थ्री पाई बाई टू, तो x माइनस पाई फोर इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओ क्या होगा, n पाई प्लस माइनस माइनस वन की पावर n y की तरह थ्री पाई बाई टू, ये माइनस का पाई फोर इधर ले आइए तो प्लस का पाई फोर है, तो x इक्वल टू पाई बाई फोर प्लस n पाई प्लस माइनस वन की पावर n थ्री पाई बाई टू, ये आंसर आ गया। ओके, इतना हम करेंगे, इतना आज करेंगे हम, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।